Assalamualaikum viewers, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ फिश, जो कि बहुत ही यम्मी और बहुत ही लजीज है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया साफ साफ, जो कि दो के खुश करके रख दिया था। अब उसमें हमने ऐड कर दिया 1/2 kg फिश, जो कि पहले से दो के खुश करके रख दी थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला, मिक्स मसाला, होम मेड मिक्स मसाला है। तकरीबन 3 टेबलस्पून हमने ऐड की। अब 2 टेबलस्पून हमने नमक ऐड करना है। अब हमने इसमें 3 लेमन रस ऐड करना है। आपको साथ ही बताती चलूं कि ये होममेड मिक्स मसाला है, जो कि हमने घर पे तैयार किया है। इसमें हमने ऐड किया है ब्लैक जीरा और कुछ धनिया, थोड़ी सी हल्दी और सुर्ख मिर्च। इन सबको ग्राइंड करके इकट्ठा करके जमा कर दिया है और उसको हमने ग्राइंड किया है, तो हमने वही ऐड किया है, बाकी मसाला इसके अलावा ऐड नहीं किया। आप चाहें तो लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसमें ऐड कर दिया है 4 मसाला, जो कि 2 टेबलस्पून है। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आप चाहें तो मिक्स मसाला ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं और कम भी। मुझे मसाला कम लगा तो मैंने 1 टेबलस्पून मसाला और ऐड कर दिया। अब अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसमें बेसन ऐड करना है, जो कि 2 टेबलस्पून है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हमने बेसन साथ ही इसलिए मिक्स नहीं किया कि मसाला फिर बेसन के साथ जुड़ जाता है। पहले मसाले को मिक्स किया, उसके बाद बेसन लगा के दोबारा से मिक्सिंग की। हमारी फिश में अच्छी तरह मसाला लग चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमने कढ़ाई ले ली, मैं ऑयल ऐड कर दिया, उसको गर्म होने के लिए रख दिया। फिश को हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है, हाई नहीं करना, ताकि अंदर से मछली पक के तैयार हो जाए। हमने फिश को ऐड कर दिया ऑयल में। 5 मिनट के लिए एक साइड से और 5 के लिए दूसरी साइड से तैयार रखना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक आसानी पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है।
आप देख रहे होंगे कि हमारी पिछली मसाला कितना अच्छा लग गया है, बहुत स्पाइसी लग रही है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।